और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैग हेडक्वार्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण इस वक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के जरिए। ये सीधी तस्वीरें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण इस वक्त पीएम मोदी कर चुके हैं और इसके बाद ये ऑडिट दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त कैग दफ्तर पहुंच चुके हैं, ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद एक बड़ी सौगात यूपी की जनता को देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इस वक्त कैग ऑफिस में मौजूद हैं। सचमुच ये कैग दफ्तर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिन और इसी दिन कैग का गठन हुआ था और इसी दिन को खास बनाने के लिए देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ऑडिट दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए फूल चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कैग के इस नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगाई गई है, जिसका अनावरण इस वक्त पीएम मोदी कर चुके हैं और इसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है, इससे पहले मूर्ति का अनावरण किया गया, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये सीएजी के लिए है, क्योंकि आज के दिन ये सीएजी का गठन हुआ था और सीएजी निश्चित तौर पर देश की जो संवैधानिक संस्थाएं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जो कहा जाता है कि सरकार की खातेदार, सरकार का जो लेखा परीक्षक, जितने भी विभाग होते हैं उनका लेखा परीक्षा करने का काम, उनका ऑडिट करने का काम सीएजी के पास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्था है और ये इस संस्था का काम कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीएजी ने जब सवाल उठाए थे 2G के मामले में, तो काफी परेशानी में तब की सरकार आ गई थी। तो आज प्रधानमंत्री वहां पर सीएजी के दफ्तर पहुंचे, गठन हुआ था आज के दिन सीएजी का, वहां पर सरदार पटेल की नई मूर्ति जो लगाई गई है उसका भी अनावरण करेंगे। और सीएजी का पिछले कुछ महीनों पहले नया दफ्तर शुरू हुआ था, जिसके बाद सीएजी कार्यालय जो है वो अपने नए दफ्तर से काम करना शुरू कर दिया था। ये राउज एवेन्यू की नई बिल्डिंग है, पहले आईटीओ के पास एक पुराना कार्यालय सीएजी का हुआ करता था, लेकिन अब एक आलीशान बड़ी इमारत है सीएजी की, बड़ा का दफ्तर वहां पर बनाया गया है और सीएजी की जितने भी दफ्तर, कार्यालय, अधिकारी सबको एक बिल्डिंग में समाहित किया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और आज चूंकि ऑडिट दिवस के दिन प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में इस सीएजी की महत्वपूर्णता, किस तरीके से सीएजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरीके से ऑडिट के काम में उनकी बड़ी भूमिका है, इन सबको पीएम रेखांकित करेंगे। बिल्कुल विक्रांत, और हमने देखा भी था कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था और इसी दफ्तर में महात्मा गांधी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई। यानी कि ये तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से कैग, जो कि शासन और इसके साथ ही किस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करती है, देश के प्रति कितनी जवाबदेही है कैग। देखिए, सीएजी एक ऐसी संस्था है जिसको जो सरकार के कामकाज पर नजर रखती है, यानी सरकार के ऑडिट का जिम्मा जो है वो सीएजी के पास होता है। सरकार के बहुत विभाग होते हैं, अनेकों विभाग हैं, उनके ऑडिट का काम सीएजी के पास जाता है और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि सीएजी की ऑडिट में कई तरह की अनियमितताएं मिलती हैं, तो उनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। कई बार वो अपने कामकाज में जो सरकारी काम होते हैं, जिस तरीके से सरकारी काम होते हैं, उनमें किस तरीके से ज्यादा उसे किफायती बनाया जा सके या किस तरीके से उसे ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, इस तरीके की बातें सीएजी की रिपोर्ट में आती है, तो उन सब से एक सकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। गवर्नेंस के मामले में सीएजी की एक बड़ी भूमिका है और इसी कारण तो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर में मौजूद हूं, क्योंकि